मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नम्रता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर से। नम्रता, परिवार के लोग अब क्या कह रहे हैं अगर उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो? देखिए अखिलेश, जब से ये जानकारी आई कि ज़िशान सिद्दीकी भी इनके टारगेट पर थे, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिविल में जो पुलिस वाले हैं वो ज़िशान सिद्दीकी यानी कि बाबा सिद्दीकी के घर के आसपास मौजूद हैं। परिवार वालों से वो मुलाकात करके आए, लगातार हर चीज़ की अपडेट जो है सिविल में मौजूद पुलिस ऑफिसर्स हैं वो काउंट कर रहे हैं। सोसाइटी के जो बाकी सिक्योरिटी हैं उनसे लगातार रजिस्टर करने के लिए कह रहे हैं कि कोई भी इमारत में कोई भी परिवार से मिलना है तो उसकी जानकारी वो इकट्ठा करके रखें। और दूसरी बड़ी बात कि हमने कोर्ट में कल देखा कि एक आरोपी जो धर्मराज है उसने कहा था कि वो 17 साल और 18 साल से कम उम्र का है, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी अपडेट आ गया है इस मामले में कि उसकी उम्र ज़्यादा है और ऐसे में उसको भी 21 अक्टूबर तक की कस्टडी दे दी गई। तो दो ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बाबा सिद्दीकी के घर की स्थिति अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर सिविल में मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जो सिक्योरिटी है उनको स्ट्रिक्ट जो है पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो लगातार रजिस्टर करते रहें, अगर उनको कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर पुलिस को दें। पुलिस अपनी वैन के साथ लगातार बाबा सिद्दीकी के घर के पास मौजूद है। एक और अपडेट लेते हैं मृत्युंजय सिंह से। नमस्कार मृत्युंजय, इस पूरे मामले में जब से ये घटना सामने आई है क्या सलमान खान की भी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ाई गई होगी, क्योंकि उनके ऊपर भी थ्रेट है और बाबा सिद्दीकी के साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे भी? बिल्कुल सही कहा आपने, अगर बाबा सिद्दीकी पर इस प्रकार का हमला हुआ है जिसमें उनकी जान चली गई तो कहीं ना कहीं सलमान खान पर खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आपको बता दें कि सलमान खान की सुरक्षा पहले से ही कड़ी थी, इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, बस चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। जब पिछली बार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी उसी के बाद से ही सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। सलमान खान के ना केवल घर की बात करें बल्कि इस समय वो बिग बॉस की शूटिंग भी करने जाते हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दी गई है। और इतना ही नहीं, सलमान खान के जो अन्य रिलेटिव्स हैं, परिजन हैं, उनके बहन के पति हैं या अन्य जो परिजन परिवार है उनके घर और उन सदस्यों की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, खास करके उनके घर के इर्द गिर्द आने जाने वाले संदिग्ध या पहले कभी नहीं देखे हुए ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है। और निश्चित तौर पर एक एहतियातन कदम उठाया गया है, लेकिन कोई नई सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है, बस सिक्योरिटी को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन मृत्युंजय, एक बहुत गंभीर सवाल वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खड़े हुए हैं। जिस तरीके की ये घटना सामने आई है और मुंबई जैसे शहर में, यकीनन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अब गंभीर सवालों के घेरे में है। निश्चित तौर पर इस सवाल से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से मुंबई में इस प्रकार के शूटआउट फायरिंग की घटना के बारे में कोई नहीं सोचता है, और इस प्रकार की घटना लगभग 10-12 साल पहले जेडे पत्रकार जेडे की हत्याकांड हुई थी मुंबई के पवई इलाके में, तब इस प्रकार की घटना हुई थी। लेकिन एक खुलेआम दशहरा का त्यौहार है, जगह जगह पुलिस सिक्योरिटी थी, जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात थे, दशहरा की कई जगह पे त्यौहार चल रहे थे, मनाए जा रहे थे। ठीक है मृत्युंजय, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, चूंकि एक बड़ी खबर है, अपडेट है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर, एक बहुत बड़ी खबर। अहमदाबाद की साबरमती जेल जा सकती है मुंबई पुलिस। साबरमती जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस। तो इस पूरे मामले में जो टारगेट पर है वो लॉरेंस बिश्नोई भी है और इसीलिए उससे भी पूछताछ हो सकती है। इस दृष्टिकोण से भी पुलिस जांच कर रही है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं जो अलग अलग सोर्सेस के हवाले से, ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक जताया जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए अब मुंबई पुलिस की टीम साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तैयारी में है। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, बिश्नोई गैंग का नाम जब सामने आया, अमूमन हमने देखा है लॉरेंस बिश्नोई ने जब भी सिद्धू मूसेवाला हो या दूसरे मामलों में जब भी नाम आया तो लॉरेंस बिश्नोई ने खुद या उसके गैंग की तरफ से जो गैंग में इन्वॉल्व है उन्होंने खुद ये कहा कि उन्होंने हत्या की है या नहीं की। लेकिन इस बार फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई ना उनके गैंग के जो प्रमुख लोग हैं उसकी तरफ से कोई जानकारी या कोई ये ओनरशिप नहीं आई है। लेकिन कल जब एक पोस्ट आया उसके बाद से ही पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई एंगल को खंगालना शुरू किया। तो क्या शुभम लोनकर जो दावा कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही हत्या हुई है, लॉरेंस बिश्नोई का ही पूरे हत्याकांड से कोई संबंध है, ये जानने के लिए ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम खुद लॉरेंस बिश्नोई के पास जाकर पूछताछ कर सकती है। और साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई है, ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का क्या कहना है इस पूरे मामले में
बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर लॉरेन बिश्नोई मना कर देता है तो इसके पीछे का असली वजह क्या है, ये जानने के लिए मुंबई पुलिस को और मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक तो ये एंगल बताया जा रहा था कि सलमान खान, दाऊद इब्राहिम सलमान को बाबा सिद्दीकी प्रोटेक्ट कर रहे थे, दाऊद के थ्रू मदद मांग रहे थे, अनुस्थापन की मौत का बदला, ये सारी थियरी थी एक्सपोज के बाद। अब इस थियरी को कोराबोरेट करने के लिए कंफर्मेशन के लिए लॉरेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गणेश आपने दी दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए। हमारे तमाम संवाददाता अब तक जानकारी पहुंचा रहे थे, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। लेकिन एक ऐसी घटना है जिसने मुंबई जैसे शहर में कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है, क्योंकि आपको पता है देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और वहां पर तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर तक हैं, और वहां पर अगर इस तरह की घटना घट जाएगी जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।